तो अगर आप बाइक ट्रिप करके ले आने का प्लान कर रहे हैं या फ्लाइट से सीधा ले एयरपोर्ट पे लैंड करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है गौरव और मैं लेह में पिछले 15 दिनों से हूँ और मैं आपके उस सभी क्वेश्चनों का जवाब दे सकता हूँ जो आपके दिमाग में कुल बुला रहे हैं कि भाई अगर मुझे बाई रोड आना है तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगेगी कि नहीं, ई पास लगेगा कि नहीं, और अगर मैं पॉजिटिव होगा तो मेरे साथ में क्या होगा, और अगर मैं बाई एयर आ रहा हूँ तब भी मेरा एंटीजन टेस्ट होगा कि नहीं। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चल मेरे भाई, आपके इन सब की कुल बुलाते हुए क्वेश्चनों का अब हम देंगे आंसर, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुले बोलो और सब्सक्राइब को बटन दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि आप कैसे पहुंच सकते हैं ले और कौन कौन से रास्ते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन कुल बुला रहा है वो ये है कि मैं बाय रोड ले जा सकता हूँ कि नहीं। तो उसका आंसर है हाँ, बाय रोड आप ले जा सकते हो। तो हम एक लोकेशन लेते हैं जहाँ से हम ले का कितने किलोमीटर दूर है, उससे आपको पता लगेगा कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता है वाया मनाली, एक रास्ता है वाया श्रीनगर। अगर मैं दिल्ली को पॉइंट मानूँ, मैं दिल्ली से ट्रिप स्टार्ट करूँ अपनी, तो वाया मनाली अगर मैं जाता हूँ तो कुछ 1000 किलोमीटर यानी 960 किलोमीटर का सफ़र है मेरा ले पहुँचने का, और अगर मैं वाया श्रीनगर जाता हूँ तो मेरा रास्ता है 1250 किलोमीटर का। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आप बाइक ट्रिप करते हैं वाया मनाली, तो वाया मनाली जाने के लिए को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, दूसरा है ई पास। हिमाचल जो कि एंट्री बॉर्डर है, अगर आपको ले जाना है उसके लिए आपको मनाली के थ्रू जाना है और उसके लिए आपको ई पास जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है ई पास क्या है तो ऊपर एक लिंक दिया गया, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता लगेगा ई पास कैसे जनरेट करें। अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट पहुंच के भी ई पास को फ़ोन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो ये लिंक पर क्लिक करें और आपका ई पास का काम हो गया। अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट और ई पास लेके आप दिल्ली से वाया चंडीगढ़ होते हुए मनाली में एंटर करेंगे जहाँ पर आपका ई पास चेक होगा। मनाली से अटल टनल क्रॉस करते हुए, किलोंग क्रॉस करते हुए आप उपशी में पहुंच जाएंगे। अगर आप मनाली के रूट से जाते हैं तो आपका एक ही बार चेक पोस्ट पे पास चेक होता है, तो ये इजी रूट है, किलोमीटर्स भी कम है। उपशी में आपका एंटीजन टेस्ट होगा। आपने आरटीपीसीआर कराया है नहीं कराया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एंटीजन टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में पॉजिटिव आए, मतलब ऑन द वे अगर आप कहीं रुके हैं होटल में और आप पॉजिटिव हो गए और वहाँ पॉजिटिव आ गए, तो वहाँ पर आपको कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको 15 दिन रहना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप डायरेक्ट रूट पे जाएं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करें, होटल में भी जाएं तो आप पूरे प्रिकॉशंस लें। उपसी में पूरी चेकिंग होने के बाद में आप वहाँ से ले में एंटर करेंगे। उपसी से ले का रास्ता 48 किलोमीटर का है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिल्ली से आने के लिए, और यहाँ पे एक ही चेक पोस्ट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ से ले में एंटर कर जाएंगे। तो ये था पहला रूट। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड रूट जो कि है वाया श्रीनगर। जो तो दूसरा रूट है वो है वाया श्रीनगर। आप दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए जब श्रीनगर एंटर करेंगे तो उससे पहले एक लखनपुर करके चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपका आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चेक होगा, आपका एंटीजन टेस्ट होगा, और आपको वहाँ पे एक आईडी प्रूफ इशू किया जाएगा, एक परमिट इशू किया जाएगा जो आपको आगे हर जगह काम में आएगा। श्रीनगर वाले रूट पे आपको 4 चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है, और ये रूट लंबा भी है मनाली वाले रूट से। ये रूट है कुछ 1250 किलोमीटर का, तो आपको डिसाइड करना है आपको इस रूट से जाना है कि नहीं। लखनपुर से आप श्रीनगर में एंट्री करेंगे, वहाँ से आप जोजिला पास होते हुए मीना मार्ग में जाएंगे। मीना मार्ग में फिर दोबारा से एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका ये पुरान आपको जो लखनपुर में आईडी प्रूफ दिया गया था, परमिट दिया गया था, वो आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट दोनों वहाँ पे चेक होंगे। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और कारगिल होते हुए खलसी करके एक जगह है जहाँ पे आपका दोबारा से चेक पोस्ट पे आपका आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वो आईडी प्रूफ या परमिट चेक होगा। एंटीजन टेस्ट एक ही बार होगा लखनपुर में, उसके बाद में नहीं होगा। खलसी से आप फ्याम होंग में एंटर करेंगे, फ्याम जो कि ले के पास में ही है, वहाँ पर आपका एंटीजन टेस्ट होगा और आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चेक होगा। अगर वहाँ पे आप नेगेटिव हैं तो आपको वहाँ से ले आने के लिए इजाज़त मिलेगी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको कोविड सेंटर में भर्ती होना पड़ेगा। तो ये था सेकंड ऑप्शन जो कि 1250 किलोमीटर का था। अभी हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है बाय एयर। बाय एयर आप दिल्ली
चंडीगढ़ या मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं और आप लैंड कर सकते हैं ले एयरपोर्ट पे, जो कि एक आर्मी एयरपोर्ट है। अब सबसे पहले आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव की रिपोर्ट लेनी होगी, वरना आपकी एयरलाइन आपको बोर्ड नहीं करने देगी दिल्ली या जहाँ से भी आपका जर्नी शुरू हो रहा है। तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आना है। ले एयरपोर्ट पे आपका एंटीजन टेस्ट होगा, और अगर किसी कारण से आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके पास नहीं है और आपकी एयरलाइन से आपको अलाउ कर दिया है, तो यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद में वो आपको एक स्लिप देंगे, जो कि आपको आपके होटल्स में दिखानी पड़ेगी। वो स्लिप लेके आप होटल एयरपोर्ट को आधे घंटे में छोड़ सकते हैं। तो आप किसी भी मोड से आएँ, आपका एंटीजन टेस्ट ले में आते हुए हो रहा है, विच इज़ ओ गुड ऑल्सो, ताकि यहाँ पे बाहर से कोई बीमारी नहीं आए, सेफ आए, आप भी सेफ रहें, यहाँ के लोग भी सेफ रहें। तो ये हो गया कि आप कैसे ले में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोकल SOP की। ये जो SOPs हैं, ये एज ऑन डेट, यानी कि आज ये SOP जो हैं बदलती रहेंगी, और उनका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि 7 तारीख को नई SOP आई थी, फिर 12 जून को आई थी, आगे भी आती रहेंगी। तो आज आज की डेट के जो SOP है, जो 21 जून तक वैलिड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई नई SOP आएगी तो कमेंट में मैं उसका नया लिंक डाल दूंगा। आज की SOP के अकॉर्डिंग आपके व्हीकल का जो नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है, यानी कि 1357, तो आप उस व्हीकल को सिर्फ और सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ओड नंबर की बात। अगर इवन नंबर, अगर बाइक का, कार का जो लास्ट का नंबर है, अगर वो इवन नंबर है, जैसे कि 0248, तो आपको वो निकाल सकते हैं आप संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को। तो इसके अलावा आप वो सिटी में नहीं घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप नूबरा वैली या बाहर कहीं जा रहे हैं, आपका रूट प्लान है, तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलेंगे ना, तो आपको कोई चेकिंग नहीं होगी। सिटी के बाहर लिमिट पे ये वाला जो रूल्स है, SOP लागू नहीं है अगर आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर सिटी में घूम रहे हैं तो आपका चलान हो सकता है, अगर आपने ओड वाले दिन इवन की बाइक निकाली और इवन वाले दिन ओड की। ये बात हो गई बाइक की, आपके व्हीकल की। अगर आपने यहाँ पे लैंड किया है बाई एयर और आपको बाइक या कार रेंट करनी है, तो जितनी भी ऑटो शॉप्स हैं जहाँ से ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, वो सब 1 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही ओपन होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को ये शॉप्स बंद रहती हैं। तो आप ऑनलाइन नंबर निकाल के उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपके होटल पे आके डिलीवरी दे देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लेह में मैक्सिमम होटल्स अभी तक ओपन हो चुके हैं, फिर भी आप होटल को ऑनलाइन बुक करें और उनसे कॉल करके कंफर्म करें, क्योंकि जब हम आए थे हमारा होटल हमने बुक किया था, लेकिन यहाँ आके मालूम चला कि वो बंद है। ये बात मैं कर रहा हूँ 6 जून की, अभी तो सब ओपन हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे बाइक कितने की मिलती है, होटल का कितना बजट होगा, आइटनरी क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, तो ऊपर एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होगा बाइक ट्रिप में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप लेह में आ गए हैं और आपको नुब्रा, पैंगोंग, सियोमिरी लेक या तुकतुक जाना है, तो आपको ILP लगेगा, इनर लाइन परमिट। ये परमिट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपने होटल वाले को भी बोल सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसका मिनिमम कॉस्ट 400 से 500 होता है, होटल वाले इसमें 100 या 150 रुपये एक्स्ट्रा करके आपसे लेते हैं। अगर आपको ये ऑनलाइन खुद से अप्लाई करना है, तो लिंक ऊपर दिया, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं। आप आने से पहले ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक चेक पोस्ट पे नुब्रा में एंट्री से पहले लगेगा, आपको दिखाना होगा, अगर आप दिखाएंगे नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको आने से पहले आपको सभी डिटेल मिल गई हो, तो इसको ये कोई चम्मच वम्मच मार के सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक करो, और कमेंट में मुझे बताओ आपको क्या क्वेरीज हैं, मैं यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैंने पिछले 14 डेज के अंदर नुब्रा, पैंगोंग, सिजोमिरी और ये सब कुछ किया था, तो वीडियो का लिंक ऊपर दिया गया है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।